क्या आपने बॉलीवुड को सब्सक्राइब किया क्या आपने बॉलीवुड की वीडियो को शेयर और लाइक किया बहुत ही बढ़िया क्या चल रहा है तो आज इस मूवी को हम सिंह करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिपल आर उटमै एक दूसरे को पहली बार मिले हैं और कैसे देखो पानी के अंदर भाग रहे हैं सिर्फ हाथ मिलाने के लिए ऐसे तो मत करो ये सब पानी के बाहर भी हो सकता है पहले पानी से तो बाहर जितना मतलब आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुका है, तो है तो इस वीडियो को अपने दिल या अपने फेफड़ों पर मत लेना ये टैटू तो पहले से बना हुआ है ये तो बस ऊपर से घुमाई जा रही है उसे जब तक ये बंदा इसे नहीं बताता है तब तक इसे एहसास ही नहीं होता है की वो इसकी बच्ची को लेकर जा रही है सामने तो लेके जा रहे हैं उसे ये बंदा तो फैंस के ऊपर पैर रख के जम्प कर रहा है भाई इतने बंदों से एक बंदा संभाला नहीं जा रहा माना राजा मौली साहब की मूवी है बट इट्स आर 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 नॉट बाहुबली मतलब ये आराम से डंडा मार रहा है इतने लोगों के बीच में फंस के मुंह पे और इतना ज्यादा खून निकल रहा है सबके मुंह से देखो यार अभी इतने ज्यादा लोगों के बीच में गिरा पड़ा है पर फिर भी ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में वो बंदा खड़ा है मतलब इसे अब भी दिखाई दे रहा है वो बंदा नीचे गिरा हुआ है इतने लोगों के पैरों के बीच में और ये सरदार जी तो यार मतलब क्या ही बोलू सारे क्राउड में ऐसे ऐसे पूरी दहशत के साथ खड़े है यार मतलब सारे क्राउड में अकेला तेरा यार दिखना चाहिए अगर आपको बाहुबली याद है तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था लोग दूर दूर देख देख के बता रहे थे की क्या चल रहा है तो इस में भी ऐसा ही है ये भी दूर दूर खड़े होके देख रहे हैं की एग्जैक्टली उस फाइट में क्या हो रहा है और रिएक्ट भी कर रहे हैं हर एक चीज को देख के अब इस सरदार जी को देख लो यार अब ये भीड़ के बीच में

जानवर को इग्नोर ही कर दिया मतलब वो बिल्कुल सामने था उसको इग्नोर करके वो भीम के पीछे भाग रहा है। ना उधर लकड़ी। लकड़ी का, का और इसी के बीच में होने से एंड में रिलेशनशिप ही टूट जाता है देखो यार पहले ये रस्या ऐसी थी अभी ये रस्सियां देखो ऐसे हो गई जादू यार जादू पहले ही उसे सुला देते इतना ज्यादा जोर लगाने की क्या जरूरत थी शॉर्ट में देखो यार ये रस्सी ढीली लग रही है जबकि ये मूवी में दिखा रहे हैं कि ये पूरे जोर से उसे खींच रहा है काम में ध्यान रखो ब्रो दूसरे काम में नहीं ऐसे तो मत ही करो इसको अपनी आईडी दिखाने की क्या जरूरत थी किसी और रस्ते से निकल जाता इसने इतने बड़े क्राउड में उस सरदार को ढूंढ लिया था यार और निकाल भी लिया था उस सरदार को तो उसके कंपेरिजन में अब तो भीड़ बहुत ही कम है तो वो बंदा इसके हाथ से निकल कैसे गया इस शॉर्ट में ध्यान से देखना ये ट्रेन का बॉक्स आगे निकल गया था इस बच्चे से और नेक्स्ट शॉर्ट में ये ट्रेन का बॉक्स बच्चे की इस साइड पे गिर रहा है और जब भी ये मैं लेफ्ट राइट साइड वाली कोई भी चीज बोलता हूँ ना यार लोग कंफ्यूज इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कमेंट सेक्शन में जाके लिखने लग जाते हैं कि वो लेफ्ट नहीं राइट था राइट नहीं लेफ्ट था चल कर यार ट्रेन अभी इतनी दूर है इन लोगों से पर ये रिएक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे इनके बिल्कुल पास में ही हो अभी तक ऊपर से नीचे कुछ गिरा नहीं है पर आग देखो नीचे पहले ही लगी हुई है किसी शॉट में ऐसे दिखा रहे हैं की बच्चे की चारों तरफ आग है और किसी शॉर्ट में नहीं है भीम चाहता तो स्विम करके भी बचा सकता था इस बच्चे को देखो यहाँ से रास्ता भी है भीम को राम का प्लान पूरा का पूरा इशारों में समझ आ जाता है देखना कभी भी वो प्लान बनाएगा थोड़ा सा इशारा करेगा और भीम पूरा का पूरा प्लान एक्जेक्टली एग्जीक्यूट करेगा जैसा राम चाहता है हम लोगों को तो एक क्लोजअप से दिखाते हैं पर जहाँ पे भीम खड़ा है वहाँ से तो बंदा आसानी से दिख भी नहीं रहा है सीधे रस्सी से नीचे क्यों नहीं गया इतना बड़ा प्लान बनाने की क्या जरूरत थी और इसे इतनी ज्यादा लंबी रस्सी कहाँ से मिल गई अचानक से वो भी यहाँ पे पड़ी हुई जो पूरा का पूरा ब्रिज कवर कर रही है और ब्रिज के पूरा नीचे तक जा रही है दोनों लोगों को लेके अब ये क्या है भाई इतनी ऊपर से ऐसे दे मारा उसको यार लात वात तो पक्का टूट गई होगी बच्चे की पहले कितना संभाल संभाल के उसको निकाला है वहां से सब कचरा कर दिया यार एकदम यही होता है सच्चा प्यार पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया कैसे एक दूसरे को मिलने को तरस रहे हैं ये दोनों अभी शायद कुछ मिनट्स ही हुए होंगे इनको आपस में मिले हुए मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से पूरे 69 मिनट्स हुए हैं हाँ वो स्केच आर्टिस्ट ने देखो यार पूरा का पूरा एक्यूरेट स्केच बना दिया यार और इस बंदे को पूरा एग्जैक्ट डिटेल तक याद थी उसके फेस की भाई

साथ पर्स उठा के घूम रहा है घूमे मैम साहब इट्स जस्ट जेनी सिर्फ जेनी बोल दे यार इतना एफर्ट लगा क्यों रही है जब उसे इंग्लिश आती नहीं है तो, तो समझ कैसे लेगा वो तेरी बात को में टीसी, में टीसी। रट्टा मारने का जिंदगी में कभी भी कोई फायदा नहीं होता क्या फायदा हुआ वा? वैक्स लगाने का बालों में हेयर स्टाइल तो एग्जैक्टली तो वैसे का वैसे ही है और वैक्स लगाई भी साइड पे है इस मुई में ये लव गुरु बने हैं इसके जैसे आपको याद ही होगा पार्टनर मूवी में बने थे भाई बैठो ना बैठो ना ये सब देख के सारी लड़कियों को बुरा लग रहा है और सारे के सारे लड़के बहुत ही खुश हैं जब ये बंदा ड्रम्स बजाता है तब अकेले ड्रम्स की नहीं किसी और इंस्ट्रूमेंट की भी साउंड साथ में आती है और इस बंदे को पता कैसे लगा कि इसके आगे कौन सी धुन बजानी है क्योंकि उसने तो कुछ बताया ही नहीं था जो बंदा थक रहा है वो नीचे गिर जा रहा है इन दोनों का तो मान सकते हैं क्योंकि ये बहुत देर से नाच रहे हैं और वो दोनों नीचे गिर भी नहीं रहे हैं पर बाकी लोग क्यों गिर जा रहे हैं अगर ये लोग थक भी गए हैं तो नाचना बंद कर सकते हैं इतने टाइम से तो नहीं नाच रहे हैं ये लोग की गिर ही पड़े और ये कम्पिटिशन फेयर

लेता तो ये बता देता भीम कोई like तो अगर को भी भी जेनी को अभी इससे पांच कदम दूरी पर ही होगी और ये अभी ही यहाँ से बाहर भी निकल रहा है थोड़ा वेट कर ले पहले यहाँ पे गार्ड्स खड़े थे अब जब ये रूम के बाहर निकला है तो रूम के बाहर खड़े हुए गार्ड्स गायब भी हो गए भाई तेरा भाई कहाँ है ध्यान से सोचो इसका भाई है जो इसका भी भाई है ये तो भाई भाई ट्रायंगल हो गया इतने अंधेरे में इसे इतनी दूर इतनी आसानी से कैसे पता लग गया कि वो कौन सा सांप है इसके हाथ में रस्सियां हुई हैं तो ये सांप को इतना ऊंची कैसे इतनी आसानी से फेंक देता है ये सांप भी पी के आया लगता है ये टाइगर के साथ हिरन कैसे एक ही पिंजरे में है ये तो गजब दोस्ती हो रही है भाई इस मूवी में कोई भी भाई, भाई भाई बन रहा है हिरन टाइगर इस पिंजरे से सारे के सारे जानवर निकल जाते हैं तो बाद में और जानवर कहाँ से आ जाते हैं इसी में ही भीम को जानवरों

भाग भी नहीं रहा है ये भी नहीं है सेफ्टी की तरफ भाग रहे हैं बस इधर से उधर भाग रहे हैं मैं दस कर रहा हूँ तो पाइप थी भी नहीं जितनी दूर भीम ले आया है इस पाइप को भीम तो पानी से फाइट कर रहा है भाई भीम का तो डायलॉग भी यही होना चाहिए था भाई आज तो तुम्हें मैं तुम्हारे ही रहूंगा इतना पानी तो नीचे था ही नहीं जितने पानी में नीचे गिरते हैं ये गिरा कहाँ था और उठ कहाँ से रहा है देखो और भाई साहब इसके कपड़े बाल सब सूख भी गए हैं इतनी जल्दी और भीम ने तो लगता है रेड बुल के नशे कर रखे हैं देखो यार पीछे पहुंच गया वो साथ में ही गिरा था इसके भीम ने ये रस्सी कब और

इतनी रात को इसने उस टारगेट को इतनी दूर से देख कैसे लिया भीम और राम को साथ में घूमते हुए बहुत लोगों ने देखा है अगर कोई भी बोल देता कि ये ये दोनों दोनों दोस्त हैं तो तो क्या करते खासकर जैनी जैनी तो वहां पे मौजूद है और ऊपर खड़ी हुई है अगर वो कुछ बक देती तो ये ट्राई करो मेरे हस्बैंड रोज मुझ यूज करते हैं भीम की बोन्स डिसलोकेट कैसे नहीं हुई इतना सब कुछ होने के बाद इसके फिंगर्स कहाँ पे है और निशान देखो कहाँ पे पड़े हैं और इसके नाखून भी इतने शार्प नहीं है की ऐसे निशान डाल पाए राम को ये बात भीम के सामने करने की जरूरत थी और अगर करनी भी थी तो वो इंग्लिश में बात कर लेता इससे जो भीम को समझ ही नहीं आती अगर ये सब बात भीम को समझ आएगी तो उसे तो और भी गुस्सा आएगा उसे कौन सा राम के अंदर वाले प्लान का कुछ पता है अगर ये खुद चाहता तो ये भीम के पास आके उसे पहले ही अपना प्लान बता देता क्यूँकी ये मिशन इसे ही मिला है और ये स्पेशल ऑफिसर है तो इतना तो ये कर सकता था और इसको हैंड क्यों डाले इन्होंने ये रस्सी वस्सी तो भीम ऐसे ही तोड़ देता भाई इसको तो ब्लेड की जरूरत ही नहीं है जिसका बाप अजय देवगन हो उसका तो ये हाल होना ही है अब ये क्या है भाई इसने क्या जंप का हिसाब ही लगा लिया था कि वो कब जंप मारेगा और कितनी ऊंची जंप मारेगा एक्सप्लेन एवरी थिंग अरे भाई पूरी एग्जैक्ट लोकेशन ही बता दे हद होगी इसकी इस पूरी मूवी में अंग्रेजों को भीम या राम के अलावा कोई और काम ही नहीं है पहले भीम को पकड़ के बैठे थे और अब राम को पकड़ के बैठे हैं एनर्जी सेव करो ब्रो। ऐसे एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे प्रो ये लोग वेट किस बात का कर रहे हैं पहले देख लिया ना वेट करके भाग्या ना वो अब इसके भागने का भी वेट कर रहे हो आई लव इज फाइटिंग स्पिरिट पर इसे उन्हें और उकसाना नहीं चाहिए अगर ज्यादा उकसाएगा तो वो और मारेंगे बस सब कुछ एक ही बार में बता दिया नाम पूछा था बस अभी भी ये इसकी मदद क्यों कर रही है ये भीम को सब कुछ इंग्लिश में समझाती है तो भीम को सब कुछ समझ कैसे आ जाता है इसको तो इंग्लिश आती ही नहीं है ये पेंडेंट सीता ने तो इसको दिया ही नहीं था तो इसके पास कैसे आया ये ये पेंडेंट इसके साथ ऐसे कैसे चिपक गया भाई इसने तोड़ा था लगता है इसको ज्यादा जोर लगाने में मजा आता है पूरा का पूरा उखाड़ के फेंक रहा है सब कुछ लॉक तोड़ दे भाई ये गन्स में गोलियां कितनी है खत्म ही नहीं हो रही है पुलिस वाले देखो यार कितने वेल ट्रेन है एक भी गोली नहीं लग रही उनकी इसको पूरी मुंह में ये टेंशन रहती है कि बंदूक की गोली कोई भी वेस्ट ना हो जाए अगर इसने ये फाइट को देखा होता ना तो इसने तो हार्ट अटैक से ही मर जाना था अरे गोलियां मत वेस्ट करो यार ऐसे तो मत ही करो राम को रात में झाड़ियों के बीच छुपे बैठे हुए बंदे तक दिखाई दे रहे हैं वो भी गिली सूट में में लोगों को के नाइट मोड में बंदे दिखाई नहीं देते थे वो भी नाइट विजन के साथ और ये भाई साहब तो भाई कमाल ही करी जा रहे हैं इसने इतना टाइम लगा दिया ऑर्डर देने में उतने टाइम में राम ने दो तीर चला दिए और ये खुद तो गोली चला सकता था ना अगर इसने ऑर्डर नहीं भी दिया था तो ये दो तीर कैसे से आ रहे हैं एक साथ भाई ये बाहुबली चल रही है की आर 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 ये कहा ऐसी गोलियाँ चल रही हैं और इतनी ज्यादा लाइट इस बेचारे का तो तो बीपी बहुत हो हो गया होगा अब तक इतनी गोलियां तो मैंने सारी जिंदगी किसी को चलाने नहीं दी जितनी तुम सभी एक ही बार में फूक रहे हो। ये देखने में बहुत सही लग रहा है और किसी ने फायर भी नहीं किया सभी लोग इंजॉय करने लग गए हैं लगता है देख के इसको करे भी क्या सीन ही ऐसा है ये सब देख के ना गोरे भी सोच रहे होंगे की हम अपना धर्म परिवर्तन ही कर ले लगता है इसने ज्यादा रेडबुल ली है इतने टाइम से राम को मार रहा है और क्या भीम इतने टाइम से पानी में ही बैठा हुआ था अब भी इसीलिए राम ने पता नहीं भेज दिया, को भी पीछे दिया। इतने सारे एक साथ फायर कर रहा है वो भी अलग अलग डायरेक्शन से शेडोग्लोन जूसु यूज करके शायद इन सभी के पास गन्स है पर ये मुक्का खाने के लिए पास में आ रहे हैं ये पहले से ही तैयारी में खड़ा है क्या इसे पहले से पता था कि इसके पास कोई हथियार आने वाला है तीसरी आंख अब ये क्या है भाई दो बनते हैं इस बेकार से बंदे ने उसको गोली मार दी और किसी से कुछ भी नहीं हुआ और इस बंदे के पास थी भी एक पिस्टल जिसमें गोली भी एक ही थी ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा था लगता है इसके इसके बच्चे का स्कूल स्कूल जाने का टाइम हो गया था था अपने बच्चों के पास जा रहा रहा ड्रॉप करने स्कूल। एक बंदा इसके लिए बाइक लेके आ रहा है और दूसरा बंदा इसके लिए घोड़ा लेके आ रहा है सर्विस बहुत अच्छी है यार इनकी मतलब काम खत्म और साथ ही साथ जाने का प्रबंध भी कर दिया इन्होंने और ये इतनी देर हवा में कैसे रहता है ये तो हवा में था घोड़े पे बैठने से पहले तो क्या ये सीधा हवा में उड़ के घोड़े पे जाके बैठ जाता है जय हैडबुल बाबा की मन की बात समझ लेते हैं ये एक दूसरे की उसने बस इशारा किया और भीम ने सब कुछ समझ भी लिया ये बाइक कागज का था क्या जला तो ऐसे ही है जैसे कागज का हो ये बाइक जब शीशे से निकलती है तो वहाँ पे गिरती है और फिर पता नहीं आगे ऐसे कैसे चली जाती है वो भी इतनी ज्यादा आगे एक बाइक से ब्रिटिशर्स का, का सारा का सारा काम ही खत्म कर दिया इन्होंने एक्सप्लोसिव उसी बिल्डिंग में रखे हुए थे जिस बिल्डिंग में ये रहते हैं वो भी जगह जगह पे गन्स निकालने की इतनी जल्दी क्या थी यार बिल्डिंग गिर रही है पूरी की पूरी माना कि तुम्हारे ऊपर प्लॉट आर्मर है पर ऐसे तो मत ही करो अब गन्स करने भी क्या है पूरी मूवी तो बिना गन्स के काम चला लिया और जंगल में जब ये फाइट कर रहे थे तब वहाँ पे कितनी गन्स थी जिन लोगों को मारा था इन्होंने उनके पास तब ये बो एंड एरो यूज कर रहा था इन दोनों में से किसी एक ने भी गन नहीं उठाई वहाँ से बड़ी चिपको हो रहा था यार मर के भी अपने पति का पीछा नहीं छोड़ रही है पहली बार होगा पति को अपनी पत्नी का खून चूसने को मिल रहा है अच्छा तुमने मेरी सारी फैमिली खत्म कर दी मेरा सब कुछ उजाड़ दिया आओ गले लगो मेरे कर दिया है तुम्हें अनाथ अब बस मेरा ही है, साथ जब 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 तक 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 है 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 जान, जान, जान। ये हैप्पी एंडिंग बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं थी इसके चाहूं तो मैं बहुत सेंस देना चाहता हूं 200 भी कम लग रहे हैं मुझे जस्ट एट 50। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम एट बॉलीवुड सेंस तो मिलते हैं अगले वीडियो में buddy you're doing fine hey, patrick <laughs> <laughs>